नेटवर्क्स के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। बस तो नेटवर्क टोपोलॉजीज का टॉपिक खत्म हुआ, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेटवर्क क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो नेटवर्क को क्लासिफिकेशन करने के, एक ही चीज़ के ऊपर हम नेटवर्क को क्लासिफाई नहीं कर सकते। नेटवर्क को क्लासिफाई करने के लिए हमको अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर हम नेटवर्क को क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें से पहला जो पैरामीटर है वो क्या है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कि भाई सेंडर से रिसीवर आप कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो किस तरीके से आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी कौन से टाइप की आपने यूज़ की है। तो बेस्ड ऑन दैट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी वी कैन क्लासीफाई द नेटवर्क, ठीक है, कि वॉट टाइप ऑफ नेटवर्क इज दिस। तो उसके बेसिकली दो टाइप है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, तीन टाइप है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स कनेक्ट इंडिविजुअल पेयर्स ऑफ मशीन टू गो फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन ऑन अ नेटवर्क मेड अप ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। शॉर्ट मैसेज कॉल पैकेट्स इन अ सर्टन कंटेक्स्ट में हैव टू फर्स्ट विजिट वन और मोर इंटरमीडिएट मशीन। जैसा बस टोपोलॉजी था पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, तो वो सब क्या है हमारा, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, कि एक मशीन डायरेक्टली दूसरे मशीन के साथ कनेक्टेड है। जो भी आप डेटा सेंड करोगे, चाहे वो शॉर्ट मैसेज हो, पैकेट के फॉर्म में हो, या कोई कंटेंट हो, वो जाएगा एक मशीन के पास, दूसरे मशीन के पास, फाइनली जो डेस्टिनेशन रहेगा उसके पास वो पहुंच जाएगा, ठीक है। ऑफन मल्टीपल रूट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स आर पॉसिबल, ठीक है। रूट्स जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, एक ही रास्ता होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट लेंथ हो सकती है, नज़दीक छोटा बड़ा, ठीक है, आर पॉसिबल। फाइंडिंग अ गुड वन इज एन इंपॉर्टेंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन विद एग्जैक्टली वन सेंडर एंड वन एग्जैक्टली वन रिसीवर इज समटाइम कॉल्ड एज यूनिकास्ट, ठीक है। एक सिर्फ एक ट्रांसमीटर रहेगा और एक रिसीवर रहेगा, उसको क्या कहते हैं हम, यूनिकास्ट कहते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है, डायरेक्टली ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिकास्ट कहेंगे। वो भी पॉइंट टू पॉइंट के अंदर ही आता है, मगर पॉइंट टू पॉइंट के अंदर एक मशीन और बहुत सारे मशीन, जैसा हमने ऊपर टोपोलॉजीज में देखा वैसा भी हो सकता है। इसमें हो सकता है कि डायरेक्टली हम सेंडर से रिसीवर तक नहीं जाए, हमको और एक मशीन, ये दूसरा मशीन, तीसरा मशीन, चौथा मशीन, इस तरीके से हमको दूर भी हमको जाना पड़े, मगर इट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा है आपका ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क द कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट वाले में क्या होता है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी मीडियम है जिसके जरिए से आपका डेटा जाने वाला है सेंडर से रिसीवर तक, वो चैनल जो है वो हम क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। जैसा मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, शेयर होती है, ठीक है। पैकेट सेंड बाय द मशीन आर रिसीव्ड बाय ऑल द अदर्स। एक पैकेट एक मशीन भेज रहा है तो दूसरे जितने भी मशीन है वो सब क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। फिर उसको चेक करेंगे कि भाई ये मेरे लिए है क्या, मतलब क्या चेक करेंगे, तो क्या चेक करेंगे, एड्रेस चेक करेंगे। पैकेट के पहले हम क्या लगाते हैं, एड्रेस लगाते हैं, तो वो एड्रेस चेक करेगा कि भाई वो मेरा एड्रेस है क्या। तो एड्रेस फील्ड से उनको पता चलेगा, एड्रेस फील्ड से उनको क्या पता चलेगा, विद इन द पैकेट, उस पैकेट के अंदर ही क्या रहता है, एड्रेस फील्ड रहता है, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि भाई हम किसको ये भेजना चाह रहे थे, तो उसको वो चेक करते हैं। अगर है तो रिसीव करेगा, नहीं है तो फिर आगे भेज देगा। मगर जितने भी नोड्स रहेंगे, जितने भी मशीन्स रहेंगे, वो सब उस पैकेट को रिसीव करेंगे। अपॉन रिसीविंग अ पैकेट मशीन चेक्स द एड्रेस फील्ड। इफ द पैकेट इज इंटेंडेड फॉर द रिसीविंग मशीन, दैट मशीन प्रोसेस द पैकेट। इफ द पैकेट इज इंटेंडेड फॉर सम अदर मशीन, इट जस्ट इग्नोर, उसको वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। अ वायरलेस नेटवर्क इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्रॉडकास्ट लिंक। जैसे मैंने आपको मोबाइल कम्युनिकेशन का बताया ना, तो वायरलेस नेटवर्क जितने भी है उसमें से बहुत सारे मैक्सिमम ये ब्रॉडकास्ट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। विथ कम्युनिकेशन शेयर्ड ओवर अ कवरेज रीजन एंड दैट डिपेंड्स ऑन द वायरलेस चैनल एंड द ट्रांसमिटिंग मशीन। ब्रॉडकास्ट सिस्टम यूजुअली ऑल्सो अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग अ पैकेट टू ऑल डेस्टिनेशन बाई यूजिंग अ स्पेशल कोड इन द एड्रेस फील्ड। ब्रॉडकास्ट सिस्टम के अंदर क्या रहता है, हर पैकेट में एक स्पेशलिटी रहती है कि भाई हम डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वो वहां पर डाल सकते हैं। व्हेन अ पैकेट विद दिस कोड इज ट्रांसमिटेड, इट इज रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय एवरी मशीन ऑन द नेटवर्क। हर मशीन उसको रिसीव करेगा और प्रोसेस करेगा। प्रोसेस में क्या करेगा, यही कि अपॉन रिसीविंग द पैकेट मशीन चेक द एड्रेस फील्ड। इफ द पैकेट इज इंटेंडेड फॉर रिसीविंग मशीन, दैट मशीन प्रोसेस। हर पैकेट उसको रिसीव करेगा, उसकी एड्रेस फील्ड को चेक करेगा, एड्रेस फील्ड में चेक करेगा कि रिसीविंग में मेरा एड्रेस है क्या। उसका एड्रेस है तो वो मशीन उसको प्रोसेस करेगा, अगर उसका एड्रेस नहीं है तो उसको वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ पर उसने थोड़ा अलग लाइन से लिखा हुआ है। ऊपर ये वाली लाइन आपको
ये दो लाइन आपको समझ में आई तो ये ब्रॉडकास्ट वाला समझ में आ जाएगा। दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड इज ब्रॉडकास्टिंग। सम ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट ट्रांसमिशन टू अ सब स्टेशन ऑफ अ मशीन विच इज नोन एज मल्टी कास्टिंग। ठीक है, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या होता है, सम ब्रॉडकास्ट सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट ट्रांसमिशन टू अ सबसेट ऑफ द मशीन। मशीन के जो सबसेट रहते हैं उसको भी वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। सिर्फ मेन पॉइंट पे ट्रांसमिट नहीं करते, उसके अंदर जो वो मेन पॉइंट के साथ जो दूसरा अंदर का पॉइंट कनेक्टेड रहता है उसको भी वो ट्रांसमिट करते हैं, सबसेट को भी ट्रांसमिट करते हैं। सेट को नहीं, सबसेट, उस सेट के अंदर का भी जो एलिमेंट है उसको भी ट्रांसमिट करते हैं। तो उस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, मल्टीकास्टिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मल्टीकास्टिंग कहते हैं। वो भी ब्रॉडकास्ट के अंदर में ही आता है। ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका डायग्राम देखो यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट का। ठीक है, ये डायरेक्ट सेंडर है, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है फॉर एग्जांपल। तो ये पॉइंट टू पॉइंट का है, इसको हम यूनिकास्टिंग भी कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड था ना, ये यूनिकास्टिंग, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन विथ एग्जैक्टली वन सेंडर एंड एग्जैक्टली वन रिसीवर इज समटाइम कॉल्ड एज यूनिकास्टिंग। तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट भी कह सकते हैं और यूनिकास्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ये मेन फ्रेम है, ये कॉमन लिंक है, बस टोपोलॉजी की तरह यहाँ पर डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये टाइप ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन कितने टाइप के हैं। अ नेटवर्क इज टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ लिंक। नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज जो है वो कनेक्ट होते हैं। अ लिंक इज अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जो लिंक रहती है, डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, वो लिंक के अंदर एक्चुअली हमारा डेटा जो है वो क्या होता है, फ्लो होता है, ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। फॉर विजुअलाइजेशन पर्पज इट इज सिंपलेस्ट टू इमेजिन एनी लिंक एज अ लाइन ड्रॉ बिटवीन टू पेयर्स। उसको इमेजिन करने के लिए, उसको डायग्राम में पुटअप करने के लिए हम सिंपल एक लाइन बनाते हैं और उससे हम ये इंडिकेट करते हैं कि भाई ये हमारी लिंक है जिसमें हमारा एक्चुअल डेटा जो है, एक्चुअल सिग्नल जो है वो डेटा फ्लो होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है। तो पॉइंट टू पॉइंट किस तरीके से होता है, तो ये नीचे डायग्राम उसका दिया है। अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन दिस टू डिवाइसेस। इस लिंक की जितनी भी कैपेसिटी होगी, मान लो यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है 1 Mbps और रिसीव हो रहा है 1 Mbps, मगर लिंक की कैपेसिटी है 1 Gbps, कितनी भी उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो कि कम हो, पूरी की पूरी लिंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये दो डिवाइस के लिए क्या है, डेडिकेट की गई है। मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल और कनेक्ट टू केबल टू कनेक्ट द टू एंड्स। नॉर्मली एक्चुअल लेंथ की जो वायर है या केबल रहता है वो यूज करते हैं, बट अदर ऑप्शन सच एज अ माइक्रोवेव सेटेलाइट लिंक आर ऑल्सो पॉसिबल। माइक्रोवेव सेटेलाइट लिंक या फाइबर ऑप्टिक भी आप लगा सकते हो, मगर फाइबर ऑप्टिक का बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, जितना यहाँ पर यूज नहीं है। वेन वी चेंज टेलीविजन चैनल्स बाय इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, वी आर एस्टेब्लिशिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द रिमोट कंट्रोल एंड टेलीविजन कंट्रोल सिस्टम। पॉइंट टू पॉइंट का उसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एप्लीकेशन के, भाई हम टेलीविजन चैनल इंफ्रारेड रिमोट से हम चेंज करते हैं, तो वहाँ पर हमारा इंफ्रारेड रिमोट एक पॉइंट है और हमारे टीवी के अंदर जो इंफ्रारेड रिसीवर है वो दूसरा पॉइंट है। वो दोनों के बीच में इंफ्रारेड के जरिए से क्या होता है, लिंक एस्टेब्लिश होती है और सिग्नल ट्रैवल करता है। ठीक है, मल्टी पॉइंट वाला, ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये लिंक है, मेन फ्रेम है, ये डिवाइसेस है, ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। ठीक है, मल्टी पॉइंट के अंदर क्या है, मल्टी पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज अ मल्टी ड्रॉप कनेक्शन इज वन इन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक। ठीक है, एक से ज्यादा डिवाइसेस जो है वो लिंक को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इन अ मल्टी पॉइंट एनवायरमेंट द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड आइदर स्पेशली और टेम्पररी। ठीक है, स्पेशली या तो टेम्पररी, स्पेशली मतलब परमानेंटली वो चैनल को शेयर करेगा या तो टेम्पररी पर्पज के लिए कनेक्ट होगा। इफ सेवरल सेवरल डिवाइसेस कैन यूज द लिंक साइमल्टेनियसली इट इज स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन। इफ यूजर्स मस्ट टेक टर्न्स इट इज अ टाइम शेयर्ड कनेक्शन। ठीक है, उसका उसने टाइप बताया कि भाई इन मल्टी पॉइंट एनवायरमेंट द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड आइदर स्पेशली और टेम्पररी। अब स्पेशली क्या होता है उसने आगे डिफाइन भी कर दिया, इफ सेवरल डिवाइसेस कैन यूज द लिंक साइमल्टेनियस इट इज स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन। स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेज जो है वो एक के बाद एक वही कॉमन चैनल को, कॉमन लिंक को एक्सेस करते हैं। और इफ द यूजर मस्ट टेक टर्न्स इट इज अ टाइम शेयर्ड कनेक्शन। थोड़े टाइम के लिए आता है, यूज करता है, फिर चले जाता है, ऑफ हो जाता है, लिंक से डिसकनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइप के यूजर को क्या बोलेंगे, टाइम शेयर्ड कनेक्शन बोलेंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दैट आर वाइड स्प्रेड
ब्रॉडकास्ट लिंक एंड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट लिंक और पॉइंट टू पॉइंट जो है, ये दोनों मेन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है। ब्रॉडकास्ट के अंदर ही मल्टी पॉइंट आ जाता है, ब्रॉडकास्ट के अंदर ही मल्टी पॉइंट आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के अंदर ही मल्टीकास्टिंग आ जाता है, मल्टी पॉइंट वाला आ जाता है। उसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट के अंदर ही यूनिकास्टिंग आ जाती है, ठीक है। मल्टीकास्टिंग और यूनिकास्टिंग दोनों जो है सब टाइप बन जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट का सब टाइप जो है वो यूनिकास्टिंग है, और ब्रॉडकास्ट का जो सब टाइप है वो मल्टीकास्टिंग है, ठीक है। ये टाइप ऑफ कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैसा होता है और उसका एप्लीकेशन, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाला कनेक्शन कैसा दिखने में होता है और किस तरीके से बनता है, ठीक है। फिर ये दूसरा टाइप है नेटवर्क क्लासिफिकेशन। नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल साइज, फिजिकल साइज के हिसाब से भी नेटवर्क को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला वाला जो टाइप हमने भी यहाँ पर ऊपर देखे वो क्या था, नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। सेंडर से रिसीवर तक हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट या ब्रॉडकास्ट वाली टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो उसके बेसिस के ऊपर भी नेटवर्क को हम क्लासीफाई करते हैं। सेकेंड बेस जो है नेटवर्क को क्लासीफाई करने का वो क्या है, उसकी फिजिकल साइज, फिजिकली वो कितना बड़ा है, फिजिकली वो नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा है, तो उसके बेसिस के ऊपर यानी स्केल के बेसिस के ऊपर, जियोग्राफिकल स्केल के बेसिस के ऊपर भी हम नेटवर्क को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ये उसके हर एक को उसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद और एक टाइप है ये नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। तो ये तीन मेजर टाइप है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन फिजिकल साइज और बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, ठीक है। ये तीन मेन टाइप है जिसके बेसिस पे हमारा नेटवर्क जो है वो क्या होता है, क्लासीफाई होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अभी हमने फिलहाल एक देखा, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी वाला हमने देखा। उसके बाद अभी हमको क्या देखना है, ये देखना है फिजिकल साइज वाला। उसके अंदर क्या आता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है, लैन मैन बैन बिजनेस एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये सब जो कहते हैं एक एक कॉम को देखना है। पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये ऑलरेडी हमने ब्लूटूथ से बनता है, ये हमने MWC के अंदर देखा है, ठीक है। फिर लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन, फिर वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी ऊपर जो मैंने पढ़ाया दो टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी इसके बारे में, ट्री और हाइब्रिड, और उसके बाद ये ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन